हेलो दोस्तों, आज के पार्ट में हम लाए हैं बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री 2020 का प्रश्न पत्र, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके संबंधित हम प्रश्न पत्र डाल सकें। दोस्तों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 इकाई के अंदर होते हैं, अ भाग ब और भाग स। भाग अ के अंदर आपको सभी प्रश्न करना जरूरी होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और शब्दों की सीमा जो होती है वह 30 शब्दों की है, और भाग ब के अंदर 5 प्रश्न करने जरूरी हैं, शब्दों की सीमा 250 और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 7 अंक का है। इसी तरह भाग स के अंदर कुल 3 प्रश्न आपको करने जरूरी हैं, शब्दों की सीमा जो कही जाए तो 500 शब्द हैं और अंक आपके 15 है। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य है? आपको इसका उत्तर देना है, नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, भीम बेटका क्यों प्रसिद्ध है? और सवाल नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस संस्था ने की थी? दोस्तों, अगर इसका सॉल्यूशन आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखें, जिससे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। वैदिक काल की 2 विदुषी नारियों के नाम लिखने हैं। और 5वां प्रश्न है, धर्म महामात्र से क्या तात्पर्य है? 6ठा प्रश्न, बाबरू अभिलेख कहाँ स्थित है? 7वां प्रश्न है, गुप्त काल के किन्हीं 2 मंदिरों के नाम लिखिए। और इसी श्रेणी में 8वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? और 10वां, अलबरूनी कौन था? इन सभी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस के सभी के आंसर आपको देने हैं, और एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं देखते हैं। प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में पुरातात्विक सामग्री के महत्व को समझाइए, पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको वैदिक कालीन की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में लिखना है, और इसी के अंदर अथवा के अंदर और सवाल, इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। सिंधु सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं पर टिप्पणी लिखनी है। और इकाई 3 के अंदर चलते हैं हम, मौर्य काल पर, मौर्य कला पर एक टिप्पणी लिखिए, और इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। कनिष्क की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, दोनों में से आप एक ही प्रश्न करेंगे अथवा के अंदर है ये। गुप्त काल में
साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और पुलकेशिन द्वितीय पर टिप्पणी लिखिए। भाग स के अंदर पहुंच जाते हैं हम। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपद काल पर एक निबंध लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। गुप्त काल में धर्म विज्ञान एवं तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन से सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। इस तरह से हमारा हिस्ट्री का जो पेपर है वो इस तरह का होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं और आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का सहयोग लेकर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।